हेलो लवली पीपल, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल। सो ये वाली वीडियो ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करने की कि ये वाली वीडियो मतलब इस पर और भी बनाना है, क्योंकि व्हेन आई वेंट थ्रू द मतलब मैंने जब वीडियो ये पिछली वाली अपलोड की थी ना, तो मैंने देखा दिस पर्टिकुलर लाइक टॉपिक इज वेरी मच सर्च, इंडिया जंप सूट होल या फिर प्रॉपर इंडो वेस्टर्न जंप सूट होल बहुत ज़्यादा सर्च्ड है। एंड आई पर्सनली लव जंप सूट्स खुद भी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जब भी कोई ऐसा ऑप्शन पहनो ना, फ्यूजन फिट पहनी हो, इंडो वेस्टर्न पहनी हो, जहाँ पे ये लगे नहीं ट्रेडिशनल भी नहीं पहनना है एंड यू कैन ऑल्सो नॉट वियर अ वेस्टर्न फिट। सो वहाँ वो पर्टिकुलर ओकेजन्स के लिए मुझे भी जंप सूट्स, इंडो वेस्टर्न जंप सूट्स बहुत पसंद है। और इंडिया से बेटर जंप सूट्स आई डोंट थिंक कोई भी, सब एग्री करेंगे कि इंडिया से बेटर जंप सूट है ही नहीं किसी और ब्रांड के पास। सो आई शॉप्ड दीज ऑल जंप सूट्स फ्रॉम इंडिया, बट मैंने मिंत्रा से शॉप किए बिकॉज आई फाइंड मिंत्रा ईजी, मतलब मिंत्रा भी चीज़ें मुझे बहुत ईजिली मिल जाती है, तो मुझे वो ईजी लगा इसलिए मैंने वहाँ से ढूंढे हैं। बट यू कैन ऑल्सो ऑब्वियसली गेट दम फ्रॉम द ब्रांड वाइड वेबसाइट, आपको अपना थोड़ा प्राइस कम भी मिल जाए। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट एंड सी वट ऑल यू हैव। साथ साथ मैं फ़ोन भी ले लेती हूँ, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास कितने जंप सूट्स हैं। लाइक टोटल फाइव सामान गिर गया, टोटल फाइव जंप सूट्स हैं मेरे पास। तो ये मैंने अपनी कलेक्शन से कि जो जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, कोकी लग रहे थे, लाइक डिफरेंट लग रहे थे, जो वेडिंग के हिसाब, वेडिंग्स के आगे वाले वेडिंग्स के हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट है, वो सारे इकट्ठे किए हैं। सो लेट्स क्विकली सी, अपना फ़ोन भी ले लिया मैंने कि हमारे पास क्या क्या है। तो मैं पहले ये करके आपको ओपन करके दिखा देती हूँ हमारे हमने कितने आइटम्स और लाइक कितने कितने प्राइस पर आइटम्स लिए हैं। लेट्स जस्ट क्विकली सी, सबसे पहले वाला लोएस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, नो विच वन इज़ द लोएस्ट। सो लेट्स जस्ट ओपन दैट कि इसमें से लोएस्ट कौन सा वाला है। आई नो दैट, सो ओके आई हैव दैट वन। सो जो ये वाला जंप सूट है, दिस इज द लीस्ट प्राइस्ड जंप सूट है ना, ये काफ़ी अफोर्डेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये ना आपको मिनिमलिस्टिक, किसी को भी मिनिमलिस्टिक चीज़ पसंद है ना पहननी, सो दिस वन इज द परफेक्ट, परफेक्ट से कलर में है ये। इसके साथ ना पहले देख लो इसको अच्छे से कि ये ऊपर से यू गेट इस टाइप की डिटेल, जो कि बहुत प्रिटी लगती है, जो ले जो लटकने से ना बहुत प्रिटी लगती है। ऊपर इस पर थोड़ा सा डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर है, देन आपको ना यहाँ तक इसके प्रॉपर ऐसा कपड़ा मिलता है। सो ये थोड़ा सा शेयर इफेक्ट देगा और यहाँ पर इट, और इसके साथ साथ यू गेट अ बेल्ट, बेल्ट इसकी अट्रैक्शन बन जाती है। मतलब अगर आपने पहन रखा है इसको तो एकदम से बेल्ट की वजह से इट विल स्टैंड आउट, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हाँ इट इज़ वेरी फेस्टिव। तो अगर आपको कोई भी ऐसा फंक्शन अटेंड करना है ना, लाइक डे फंक्शन है और आपका मन है कि लेट्स कीप इट सिंपल, और इवन नॉट फॉर द वेडिंग ऑल्सो, अगर आप कोई कहीं बाहर जाना हो, लाइक कोई लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं जयपुर उदयपुर के, दिस वन आउटफिट विल बी वेरी परफेक्ट। एक तो बहुत ईजी ब्रीजी है ना, ज़्यादा झंझट है ना कुछ, बट फिर भी स्टाइलिश है इसलिए इस वाले लटकन की वजह से। एंड द बेल्ट वीडियो देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, और ज़्यादा पिक्चर भी अटैच कर दूँगी जब देखा था तो कैसा लग रहा था। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। ये फर्स्ट वाला वाज वेरी मिनिमलिस्टिक, अगर आपको ना सिर्फ वेडिंग पे बाकी कहीं और भी पहनना है तो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। आगे वाले सारे वेडिंग के हिसाब के ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट अनदर वन। सेकेंड वाला में ये पीच पिंक से कलर में है, और दिस वन इज वन शोल्डर, तो इसकी इमेज मैं अटैच कर दूंगी। और इसके साथ ऑल्सो यू गेट अ चेन साइड में, सबसे पहले जो पहनना तो इसको ईजी हो जाता है, इतनी लंबी चेन मिलती है आपको, देन यू गेट और लाइक इट्स वन शोल्डर। तो आपको मैं बता देती हूँ किस तरीके का लग रहा है, इट्स लाइक दिस, मतलब आपको इस तरीके के पहनने के बाद ऐसा लगेगा। कैसे पकड़ रखना, कुछ इस तरीके का है, लाइक एक साइड से यू गेट अ स्ट्रैप, अब दूसरी साइड से इट्स वन शोल्डर, एंड इसका भी लाइक घेर काफ़ी अच्छा है नीचे से, और ये वाला काफ़ी फेस्टिव लगने वाला है जब आपको, अगर कोई भी वेडिंग गेस्ट जा रहे हो, छोटा मोटा फंक्शन है, यू कैन इजीली वेयर दिस एंड पुल इट ऑफ। एक तो इसका कलर इतना प्रिटी है, दूसरा इसके जो गोल्डन वाली डिटेल है ना मेक्स इट वेरी अप्रोप्रिएट टू वेयर ऑन फंक्शंस। लाइक थोड़े क्लोज भी है तो भी चलेगा, लाइक बहुत क्लोज वाला अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है तब भी आप इसको पहन सकते हो, एंड यू कैन रीस्टाइल इट मेन बात आगे बहुत आराम से। सो ये इस तरीके का है, आई होप यू गॉट इट, बाकी आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगा। लाइक इस इधर से आपको एक स्ट्रैप मिलती है, यहाँ से यू गेट प्रॉपर आर्म होल टू वेयर इट, और इस तरीके का ऐसे आएगा नीचे, विच लुक्स वेरी परफेक्ट। काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाली चीज़ है, वन शोल्डर है ना, तो इसको आप रीस्टाइल भी कर सकते हो, लाइक जंप सूट रीस्टाइल बहुत आराम से हो जाते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड ऑप्शन विच आई फेल्ट कि वेडिंग गेस्ट के हिसाब से बहुत परफेक्ट है, इवन आपके खुद की लाइक फैमिली फंक्शन है उसमें भी पहन सकते हो आप। आपको हल्दी पे येलो नहीं पहनना, कोई और कलर पहनना है, वैसे तो येलो ही पहनते हैं, बट ठीक है अगर कुछ और भी छोटा मोटा फंक्शन है, डे वाले फंक्शन के लिए बहुत परफेक्ट है, और नाइट वाले के लिए भी है।
मतलब नॉट ओनली डे, पीच कलर देख के आप देखो तो आपको लगेगा डे फंक्शंस के लिए परफेक्ट, बट देन ऑल्सो गोल्डन डिटेलिंग है और नाइट में परफेक्ट मिलते हैं। इसके साथ अच्छी सी हील्स पहन के परफेक्ट सा हेयर स्टाइल पर्ल्स वगैरह के साथ या कोई भी ब्लिंगी सा हेयर स्टाइल करके भी यू कैन जस्ट रॉक द लुक। सो थर्ड, मूविंग टू द थर्ड वन, थर्ड वन है ना जंप सूट है बट इट इज़ इन साड़ी स्टाइल और इसका एक पर्पल सा कलर है। सो ये वाला जंप सूट रखा, तो इसको पहनने में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती ना, इतनी प्रॉब्लम होती। तो इसकी ट्रिक क्या है, पहले आप पिक्चर में देख के अपने जंप सूट को ना सेट कर लेना ऑलरेडी कि कैसे पहनना है, पहले उसको देख के उसको सेट कर लेना और फिर उसके अंदर उसको चेन खोल के पहनना, ठीक है। तो इसकी भी इतनी लंबी चेन मिलती है आपको। इस जंप सूट का क्या है, यू गेट अ हाफ स्लीव शीयर फैब्रिक यहाँ से, फिर यू गेट नीचे से इस तरीके का प्लाजो, इस तरीके का प्रॉपर, और उसके ऊपर ना यहाँ से ये ड्रेप है जो कि एक साइड साड़ी वाला लुक देगी। देन यू गेट अ बेल्ट वगैरह जो उसके आपको ड्रेप करने के बाद पहननी है। वीडियो देख लेना आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे पहनना है, वरना बहुत दिक्कत होगी जैसे मुझे दिक्कत हुई थी। सो दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी परफेक्ट। अगर आपको साड़ी लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना किसी फंक्शंस पे, तो आप साड़ी लुक इस तरीके से इजीली क्रिएट कर सकते हो बजाय कि साड़ी के ताम झाम से ज़्यादा। तो चलो साड़ी तो जो जिसको साड़ी पहननी पसंद है तो उस तरीके पहनना तो अलग बात है, बट दिस गिव्स अ मॉडर्न ट्विस्ट टू साड़ी। ड्रेप वाला फिट भी आ जाएगा, लेट अ जंप सूट, और द कलर इज ऑल्सो वेरी गुड। बस भी मुझ पर इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था ये कलर भी और ये स्टाइल भी, बट इफ़ यू प्रेफर आप वीडियो में देख लेना आपको पता लग जाएगा कि कैसा स्टाइल लग रहा था। देन यू कैन जस्ट ड्रॉप द लुक, गोल्डन होने की वजह से इट इज़ प्रॉपर फेस्टिव। इस वाले को नो डाउट आप अपने खुद के जो क्लोज वेडिंग फंक्शन है उसमें भी आराम से पहन सकते हो, कोई संगीत फंक्शन है यू कैन पुल इट ऑफ वेरी इजीली। बाकी आप वीडियो देख के आइडिया लगा लेना कि हाउ यू वॉन्ट टू स्टाइल इट और कैसे आपको इसको बाद में भी स्टाइल करना है। ऐसी वाली चीज़ें ना, ये लाइक साड़ी होती है जिसमें तो बाद में भी पहनी जाती है, नॉट एक फंक्शन के लिए स्टक नहीं रहती है आपकी, अभी पहनो उसके बाद नहीं पहन पाएंगे। दिस थिंग्स आर लाइक मल्टीपर्पज और उसके बाद भी यूज़ हो जाती है। फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखाया ना, फर्स्ट वाला वॉज वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक। सेकेंड वाला देन वॉज ऑन अ साइड जो डे फंक्शन के लिए ज़्यादा परफेक्ट लगता है मुझे। ये वाला तो प्रॉपर आप अपने खुद के जो क्लोज फंक्शंस हैं उसके संगीत फंक्शंस में भी पहन सकते हो। दिस वन देन अगेन वेडिंग गेस्ट की तरह तो पहन सकते हो। मूविंग टू द फोर्थ वन, ये वाला इज अगेन वेरी डिफरेंट स्टाइल और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा थोड़ा सा फ्लोरल टाइप का प्रिंट है इस पर। अगेन इनको यहाँ पर समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये कैसे है, तो लेट मी फिगर इट आउट कि कैसे। मेरे को इसकी बस स्ट्रैप दोनों में ले लेते हो और बता देते हो। इसका डिज़ाइन इस तरीके का, आई होप यू कैन सी कि एक साइड से अलग एक्स्ट्रा फैब्रिक होके वो ड्रेप स्टाइल सिर्फ यहाँ तक बनता है। देन यू गेट वही सेम नीचे से प्लाजोज एंड इसके साथ बेल्ट ऑलरेडी अटैच्ड है। ये वाला कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, फ्लोरल प्रिंट में। अगेन इट इज़ वेरी इजी ब्रीजी और बेल्ट उसको थोड़ा सा फेस्टिव बहुत अच्छे से बना देती है, तो कलर इज़ वेरी फेस्टिव। अगेन इसको भी आप बहुत मल्टीपर्पज स्टाइल कर सकते हो, अब भी नहीं सिर्फ लाइक अगर आप इसकी बेल्ट हटा दोगे तो आप शादी के फंक्शन में नहीं, इसको किसी भी ट्रिप पर जो आप बाहर जा रहे हो उस ट्रिप पर भी बहुत आराम से पुल ऑफ कर सकते हो। दिस वन इज़ फॉर दैट पर्पज, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। अगेन इसकी भी चेन काफ़ी लंबी नीचे तक खुल जाती है, सो पहनने वाला कोई खास झंझट है नहीं है। एंड ऑल्सो आई वेंट फॉर साइज एल सब में एंड फॉर हाइट रेफरेंसेज, माई हाइट इज़ 5, तो आप देख लेना आपके पे कैसे आएगा ये। एंड दिस वन मुझे बहुत परफेक्ट लगता है कि जब आपको कुछ भी ऐसा मन नहीं है ना कि कुछ और ज़्यादा स्टाइलिंग करनी है, लाइक एसेसरीज में भी ज़्यादा जाना है, तो जिसका जिसका स्टाइल है ना वो एकदम से स्टेटमेंट बना देगा आपको जब आपने पहन रखा होगा। दिस वन इज़ वेरी शीक येट मॉडर्न एंड येट सिंपल ऑल्सो, तो इस वाले में इन्वेस्ट करना, मतलब जो मेरी एज की लड़कियाँ वुड प्रेफर टू वेयर दिस ऑन कोई भी वेडिंग गेस्ट आउट एज, मतलब मेरी एज की लड़की वुड प्रेफर टू वियर दिस एज अ वेडिंग गेस्ट आउटफिट कहीं जाना है, सो दिस इज़ वेरी परफेक्ट फॉर दैट। इवन यू कैन वियर इन दिस इन छोटा मोटा फंक्शंस इन योर फैमिली ऑल्सो, बट बाकी ये आगे बहुत काम ज़्यादा काम आ जाएंगे। बस की बेल्ट रिमूव कर देना तो जो शाइन है वो चली जाएगी ना, सो आप एक नॉर्मल बाहर ट्रिप पर भी इसको पहन सकते हो। मूविंग टू द लास्ट वन, दिस इज़ इन द ब्लू कलर और दिस इज़ अगेन वन शोल्डर, बट अगेन वन शोल्डर के डिज़ाइन भी बहुत डिफरेंट है। दिस इज़ अ परफेक्ट वेडिंग गेस्ट आउटफिट ऑल्सो संगीत के फंक्शन में भी, अगर आपको मिनिमल रहना पसंद है आपके घर के फंक्शंस हैं तो, या किसी और का संगीत फंक्शन अटेंड करें ज़्यादा क्लोज नहीं है, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पीस है। इसका क्या है, लाइक एक साइड से तो यू गेट अ शोल्डर इस तरीके से, एक साइड से थोड़ा सा नीचे है, सो वो वन शोल्डर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अगेन मॉडेस्ट बहुत ज़्यादा है, किसी को ज़्यादा स्किन शो करनी पसंद नहीं है, सो ये बहुत मॉडेस्ट है उस हिसाब से। देन यू गेट नॉर्मल प्लाजोज इसके साथ में एंड
नॉर्मल सा आएगी, इतना वो नहीं है, बट इसका जो ऊपर वाला डिज़ाइन है विल क्रिएट अ यूनिक इफेक्ट एंड लाइक जो भी आपको स्टैंड आउट करा देगा ये, इसके ऊपर ये फेस्ट, इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा फेस्टिव बन जाता है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे को और आगे वाले फंक्शंस में काफ़ी अच्छा पहनना है और कुछ जो छोटा मोटा फंक्शन है उसमें हम इससे काम चला लेंगे, तो दिस वन हैज़ टू बी वेरी परफेक्ट फॉर दैट ब्लिंग। और मतलब मेरे हिसाब से तो किसी को पहनना है संगीत फंक्शंस के लिए, जो दो बताए ना मैंने बहुत परफेक्ट है संगीत फंक्शंस के लिए। सो मैं एक बार सबके प्राइजेस बता देती हूँ आपको कि क्या क्या थे, सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया। ज़्यादा और मे बी प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर प्लाई, क्योंकि कई बार चीज़ आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है ना, तो 6,000 तक उसका रेट चला जाता है। मतलब जैसे सारे पीसेज आउट ऑफ स्टॉक होगी, एक अदर साइज रहेगा, तो 6,000 प्राइस गया, तो उसको देख के डोंट पैनिक, वो थोड़े दिन बाद प्राइस ऑटोमेटिकली नॉर्मल आ जाता है। सो लेट्स सी ऑल द प्राइजेज एक एक करके। सो पहले सबसे पहले इस वाले का बता देती हूँ, जो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको दिखाया ना, वो फर्स्ट वाला कौन से, इट वॉज टाई अप शोल्डर बेल्टेड जम्प सूट, इट वॉज फॉर 780 रुपीज़ में, तो अब भी ये 780 का शो कर रहा है। हाँ मैंने भी 780 का ही लिया था इसे। देन कमिंग टू द पीच वन, पीच वाले को मैंने लिया है, हाँ पीच वाले को, पीच वाला वॉज लाइक 1,220 रुपीज़। देन कमिंग टू द ड्रेप वन, जो पर्पल वाला है, इट वॉज फॉर 1,600। देन अगेन एक और पर्पल वाला जो वन शोल्डर था, दैट वॉज फॉर 1,475। एंड द लास्ट वन दैट वी सॉ ब्लू कलर, इसमें टील दे रखा है बट दैट इज़ मोर ऑफ ब्लू कलर, 1,282। सर सबके प्राइस आई होप मैंने आपको बता दिया अच्छे से, और बाकी मैं स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँगी क्या क्या प्राइस था। और कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल टेल यू कि क्या दिक्कत है। बाकी आपको प्रॉपर एक लिंक मिल जाएगा जिसमें सारी टैग्ड होंगी, अगर मुझे लगा कोई और भी अच्छे जम सूट है तो आई टैग दैट ऑल्सो देयर, सो आप वो भी देख लेना। बाकी दैट्स द वीडियो, आई फील मुझे ये वाला टॉपिक था बहुत ज़्यादा डिमांड में लग रहा था, सो आई ट्राइड कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। पिछली बार जब मैंने जम सूट्स डाले थे द रिस्पॉन्स वॉज क्वाइट गुड उस वीडियो पे, उस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ हैं, सो आई वॉन्टेड कि मतलब वो सर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आई वॉन्ट कि हाँ अगर लोगों को चाहिए सो लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। आई होप मैंने जितने जंप सूट्स कवर किए आपको पसंद आए होंगे, एंड उनमें से कुछ जो सा भी आपको फेवरेट है प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ किस किस चीज टाइप की चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, सो आई कुड गेट उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा। एंड दैट इज द वीडियो, आई विल सी द नेक्स्ट हॉल। आप मिंत्रा से कौन सा हॉल चाहिए वो भी कमेंट कर देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, एंड आई विल सी द नेक्स्ट हॉल। बाय बाय।